ये वीडियो किसी अपडेट या नोटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, बट एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, एक सजेशन है। मेरे पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी पर्सनल राय है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप DGEWS कैटेगरी में स्कूल्स में एडमिशन इजीली करवा सकते हैं, आपकी राह आसान हो सकती है। यही कुछ सजेशंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। सो EWS और DGE कैटेगरी में जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफी डिफिकल्ट होता है। लिस्ट में नाम आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद स्कूल्स एडमिशन नहीं देती हैं। कई अलग अलग बहाने कह लीजिए या कुछ रुकावटें कह लीजिए स्कूल्स अपने तरफ से बताती हैं पेरेंट्स को, जिस वजह से इजिली एडमिशन नहीं हो पाता है और काफी पेरेंट्स निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे पास कमेंट्स आते हैं जिन्हें मैं कई पेरेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, उन्हें सजेस्ट करती हूँ कुछ चीजें जिन्हें वो फॉलो करते हैं और अचीव कर पाते हैं एडमिशन लेना। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि मेरे गाइडेंस से, देखिए मैं सिर्फ गाइड करती हूँ आप लोगों को, सारा जो काम है वो आप लोगों को खुद को करना है। मेरी तरफ से सिर्फ एक गाइडेंस होती है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं गाइड कर सकती हूँ वो करती हूँ। तो उस वजह से एडमिशन हो जाता है बच्चों का, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कही है, कमेंट्स के माध्यम से आपसे कही है कि इजी नहीं है ये एडमिशन प्रोसेस। स्कूल्स कहीं ना कहीं इस जो प्रोसेस को एक साइड में रखते हैं, जो मेन स्ट्रीम जो उनके एडमिशन प्रोसेस है उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा उस पर ध्यान रहता है उनका। बट जो EWS DGE कैटेगरी के एडमिशन प्रोसेस है उस पर इतना ध्यान नहीं देते, किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि ये चीज हट जाए या पेरेंट्स अपने आप मान जाए, कम हो जाए बच्चे, इस तरह से होता है। सभी स्कूल्स में नहीं, कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, प्रॉपर वे में एडमिशन देते हैं, जो भी लिस्ट आती है उनके पास, जो भी बच्चों का नाम आता है एडमिशन हो जाता है। सभी स्कूल्स की बात नहीं कर रही मैं, कुछ स्कूल्स हैं जो परेशान करते हैं पेरेंट्स को, जिस वजह से बहुत परेशानी होती है। पेरेंट्स को उतना नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से भी वो एक बार किसी स्कूल ने कह दिया एक लाइन कि आपका इस वजह से बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, डिस्टेंस क्राइटेरिया बता दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स बता दिए, जिस वजह से एडमिशन नहीं होगा, पेरेंट्स हताश होकर वापस आ जाते हैं और वो ट्राई नहीं करते। मैंने हर कमेंट में, हर वीडियो में आपको यही कहा है कि आपको स्कूल को परस्यू करते रहना है, मतलब स्कूल के पीछे लगना होगा आपको। कोई उनसे लड़ाई नहीं लड़नी है, कोई उनको बुरा भला नहीं कहना है, कोई उन पर प्रेशर नहीं डालना है, बट प्रेशर अच्छे वे में डालना है। मतलब आपको मेल करते रहना है, करते रहिए, कई पेरेंट्स कहते हैं हमने कई बार किया, करते रहिए कई बार। आप फोन करिए, जाइए, विजिट करिए, भले ही आपको अंदर ना जाने दें, पहुंचते रहिए। स्कूल की प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे भी आप अवगत रहेंगे, उसकी जानकारी आपको रहेगी। मेल करते रहिए, पूरे अपना जो डिटेल्स है उसको अटैच करके मेल करिए। एडमिशंस होते हैं, आज ही मेरे पास कमेंट आया है, उनके बच्चे का, उनके बेटे का एडमिशन हो गया, 1 महीने की मेहनत की उन्होंने, बार बार उन्होंने मेल किया, कॉल्स किए स्कूल को, और फाइनली उनकी 1 महीने की जो मेहनत है वो रंग लाई और उनके बच्चे का एडमिशन हो गया। पहले भी उनको स्कूल में मना कर दिया गया था कि बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, बट उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मेरे मुझे ये चीज़ कमेंट करके बताई, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जो कमेंट है ये सिर्फ मेरी खुशी के लिए नहीं, दूसरे पेरेंट्स के लिए भी एक जो होता है ना, उम्मीद होती है, उनको एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ इस तरह से स्कूल को परस्यू करने से, स्कूल को कांटेक्ट में रखने से एडमिशन्स हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि एक बार मना कर दिया स्कूल में तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। तो मैं चाहती हूँ सभी पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, आपने किस तरह से परस्यू किया, किस तरह से बच्चों को एडमिशन मिल पाया, वो सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दूसरे पेरेंट्स को इन हेल्प मिलेगी। जो भी पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मैं उनके कमेंट को पिन करती हूँ ताकि आपको हाईलाइट होके दिख जाए वो कमेंट। जो भी पेरेंट्स कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उन्हें हेल्प मिले। कई पेरेंट्स आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे के कमेंट के माध्यम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कई बार कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पाती है जो दूसरों को मिल जाती है। तो इस तरह से आप शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, तो दूसरों की हेल्प होगी। बहुत थैंकफुल हूं उनकी जिन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि उनके बच्चे का एडमिशन हो गया। मैं पिन करूंगी उनका कमेंट और मैंने यहाँ पे भी मैं लगा दूंगी कमेंट उनका। तो इस तरह से एडमिशन हो जाता है। 1 किलोमीटर वाला रूल भी जो है वो खत्म हो चुका है।
मैंने पहले भी बताया था कि ये खत्म होने वाला है। एक पेरेंट ने कमेंट करके बताया था कि ये स्कूल ने उन्हें बताया है कि खत्म होने वाला है रूल। मैंने बहुत पहले आपको वीडियो में बता दिया था जो कि रूल खत्म हो चुका है फाइनली, और मुझे बहुत खुशी है। आप अगर किसी वजह से रुके हुए हैं कि नहीं हो रहा है एडमिशन, 1 किलोमीटर का आपको जानकारी नहीं है, तो आप फिर से स्कूल में जाएं। आपके अगर डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका कोई भी चीज़ फर्जी नहीं है, तो और नाम आया बच्चों का, तो एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अभी 14 तारीख तक आपके पास टाइम है। 14 जून जो है लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस की EWS और DG कैटेगरी में प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के लिए। तो समय है आपके पास, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, बार बार परस्यू करें स्कूल को, लेटर्स लिखें DOE को, स्कूल को मेल करें, कॉन्टैक्ट करें, फोन कॉल करें, जाएं स्कूल्स, एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। तो यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, किसी ना किसी के काम आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।